ये रिश्ता कहलाता है में एक बार फिर से होने वाली है अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में एक ऐसी फाइट जो कि उनके इमोशंस को इस तरह ट्रिगर करने वाली है कि उनका उन इमोशंस से बाहर निकलना या कह सकते हैं कि एक दूसरे की कही उन बातों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा जो कि वो इस फाइट के दौरान एक दूसरे के सामने रखते नजर आने वाले हैं। अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने अक्षरा और अभिमन्यु के सामने एक बड़ी फाइट देखी थी अभीर के कस्टडी केस को लेकर जिसको किसी वजह से अभिमन्यु जीत गए। यहाँ पर अक्षरा को खुद कोर्ट ने वीकेंड्स पर अभिर से मिलने का मौका दिया है, उनको पूरी अथॉरिटी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मंजरी माँ तो हर वक्त सिर्फ यही चाहती हैं कि अक्षरा अभिर के सामने बिल्कुल भी ना आए, जिससे कि अभी जल्द से जल्द अभिमन्यु के माहौल में घुल जाए और अक्षरा और अभिनव को पूरी तरह से भूल जाए। और इसी के चलते अब इस पूरी बात का इल्जाम जो है वो अक्षरा अभिमन्यु पर लगाती नजर आने वाली है। और कहीं ना कहीं अक्षरा के मन में एक बहुत बड़ा डर भी पैदा होता हमें देखने को मिलेगा कि अगर इस तरह अक्षरा अभिर से नहीं मिल पाई और अभिर सिर्फ अभिमन्यु की देखरेख में ही रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिर भी बिल्कुल अभिमन्यु की तरह बन जाए। अब आखिरकार इस पर अक्षरा का तो यही कहना होगा, पर अभिमन्यु क्या पलट कर जवाब देंगे अक्षरा को, चलते हैं इस टॉपिक की शुरू। रिश्ते क्या कहलाते हैं लगातार देखते रहिए, स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। टिल देन बाय बाय एवरीवन।